हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, आरआरबी का जो एएलपी का एग्ज़ाम था वो 21 22 23 जनवरी को संपन्न हुआ। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आगे जो प्रोसीजर है वो अब क्या क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होंगी। फिर एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि एग्ज़ाम कैसा था, लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर मैं आपको आंसर की जो उसकी आएगी उसका क्या डेट हो सकता है और फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस था वो कैसा है। तो देखिए, पहले जो एग्ज़ाम हुआ था CBT फर्स्ट, उसमें 75 क्वेश्चंस थे, 60 मिनट में ये करने थे और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट पास भी हुए। उसके बाद CBT 2 हुआ जिसमें कि पार्ट ए पार्ट बी दो एग्ज़ाम थे। पार्ट ए में जो था 100 मार्क्स में का पेपर था और पार्ट बी जो था वो सब्जेक्टिव, मतलब जो ट्रेड का पेपर था उसमें 75 मार्क्स का था। इसमें सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग होना था और अगर हम बात करें पार्ट ए की तो ये जो था वो 100 मार्क्स का था। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन होने के बाद उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, साइको टेस्ट, जो कि एएलपी कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, तो जो है टेक्नीशियन एस्पिरेंट जो है उनके लिए ये प्रोसीजर नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए है। यानी जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है दिमाग में कि जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके जो CBT 2 का पार्ट ए में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होगा या उन्हें साइको टेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको साइको टेस्ट नहीं देना है। ये साइको टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एएलपी कैंडिडेट के लिए ही होगा। उसके बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो आगे हम देख लेते हैं कि अब जो CBT 2 हो चुका है उसके बाद अभी क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद देखिए एक आंसर की जारी करेगा रेलवे बोर्ड। उसके बाद क्या होगा, हमसे ऑब्जेक्शन रेज कराए जाएंगे। फिर उसके बाद एक फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल आंसर की आने के बाद जो है एक रिजल्ट आएगा विद कट ऑफ कि कितना कट ऑफ गया है, उसके आधार पर एक रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर सभी लोगों से जो पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा और पोस्ट प्रेफरेंस के बाद उस जो एएलपी कैंडिडेट हैं उनके लिए साइको टेस्ट होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो साइको टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी कैंडिडेट के लिए ही होगा। ठीक है, और जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसके जो कैंडिडेट होंगे उन्होंने CBT 2 के जो पार्ट ए में जितने मार्क्स करे हैं अगेन उसके आधार पर उनका आगे प्रोसीजर होगा। जब तक एएलपी कैंडिडेट का साइको टेस्ट होगा तब तक उनके जो रिजल्ट है उनकी प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। जब इनका साइको टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फाइनल जो है रिजल्ट बनाया जाएगा और उसके आधार पर सभी को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसीजर है CBT 2 का के बाद होने वाली प्रोसेस का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एएलपी की कट ऑफ क्या रहेगी और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जो किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ होती है उस पर बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मेन होता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, कितनी वैकेंसीज़ हैं। फिर उसके बाद कितने कैंडिडेट ने इसमें एग्ज़ाम दिया। ठीक है, उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और फिर कैटेगरी वाइज जो कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए, फिर एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी क्या थी और फिर परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये सारे 6 फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जिसके आधार पर कोई भी एग्ज़ाम की कट ऑफ निर्धारित की जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पार्ट ए था। पार्ट ए में आप देख रहे होंगे ये सारा पोर्शन था जिसमें कि मैथ पूछी गई थी और मैथ के 25 क्वेश्चंस थे 25 मार्क्स के ही और जनरल नॉलेज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे 25 मार्क्स के। अगर हम बात करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो इसमें 40 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के। इस तरह से 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के थे और ईद का जो टाइम पीरियड था वो 1 आवर था, तो 1 घंटे में ये सारे क्वेश्चन करने थे। तो दोस्तों, ये पार्ट ए का था। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो था ट्रेड वाइज था
किसी ने फिजिक्स मैथ भरा था तो किसी का मैकेनिकल था, किसी का इलेक्ट्रिकल था, तो उनके आधार पर पार्ट बी था जिसमें 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब 75 क्वेश्चंस को 1 आवर में करना था, सॉरी ये पार्ट ए जो था उसको 1.5 घंटे में करना था, ठीक है। तो और जो पार्ट बी था उसको 1 आवर में कंप्लीट करना था। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में लोगों ने कैसे कैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को दिया था, मैंने इस पे बहुत सारे लोगों से पूछा भी कि उनका अटैम्प्ट कैसा रहा। मैं अपने खुद के मार्क्स भी बताऊँगा कि मैंने कितने मार्क्स इस एग्ज़ाम में गेन करने की उम्मीद है, क्योंकि मेरा जो अटैम्प्ट है वो 85 है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं, तो आगे हम देखते हैं एवरेज अटैम्प्ट की। तो देखिए एवरेज अटैम्प्ट जो था दोस्तों देखा जाए तो 75 के समथिंग रह रहा है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों ऐसे हैं जो टेक्नीशियन वाले हैं उन्होंने 90 के प्लस भी किया है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 60 किया है। लेकिन देखिए 60 अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है तो ये तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, 4 या 5 कभी हमारी गलती से हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हम क्वेश्चंस टिक कर देते हैं और वो इतवाक से हमारे गलत हो जाते हैं, तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं मानता हूँ अगर किसी ने 60 अटैम्प्ट किया है तो उसका तो सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, खास करके टेक्निकल पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें ALP तो ALP में उसको बुलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए ALP में क्या है, आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। साइको टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 8 गुना बुलाए जाएंगे, तो क्या होगा अब 8 गुना कैंडिडेट को जब बुलाया जाएगा तो कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत नीचे जाएगी, और नीचे उनको जो और ALP की आप वैकेंसी भी देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी है, इस आधार पर ये रहेगा। तो देखिए ये तो एवरेज अटैम्प्ट है और इसमें बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा भी अटैम्प्ट किए, कम भी अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन जो अगर जो फाइनली रिजल्ट बनेगा तो आप समझ सकते हैं अगर ज़्यादा वाले की तादाद ज़्यादा होगी तो कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं वैकेंसी। तो देखिए वैकेंसी जो थी दोस्तों 64,371 वैकेंसी थी, जो कि रिवाइज्ड करके की गई थी, पहले 26,000 थी। उसमें जो थी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी थी 27,795 और वेरियस टेक्नीशियंस की जो थी 36,576 थी। अगर हम बात करें इसमें जो 12th वाले कैंडिडेट थे तो 12th वाले कैंडिडेट की 5,200 के समथिंग वैकेंसी थी। तो प्रॉब्लम दोस्तों इसमें यही होती है, क्योंकि बहुत सारे ALP के कैंडिडेट हैं जो ALP के साइको टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे या कहीं ना कहीं कट ऑफ में रह जाएंगे, तो वो सारे कैंडिडेट इस टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई एप्लीकेबल होंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये टेक्नीशियन पोस्ट की जो कट ऑफ है, मेरिट है, बहुत आगे जाएगी, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो 12th स्टैंडर्ड के हैं, 12th स्टैंडर्ड के और ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंजीनियरिंग नहीं की है, तो वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं और SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों ने इसके लिए जो है एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो बहुत हाई जाने की उम्मीद है। तो चलिए आगे हम वीडियो में जानेंगे कि ये कट ऑफ इसकी क्या क्या रह सकती है। तो सबसे पहले और हम ये जान लेते हैं कि ये सारे जोन हैं जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी दोस्तों वो हम देख रहे हैं यहाँ पर इलाहाबाद में थी, जो कि 7,482 पोस्ट थी। और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कोलकाता में 5,527 थी और मुंबई में 5,754। उसके बाद देखिए सिकंदराबाद में 5,817। तो इस तरह से ये वैकेंसी थी आप देख सकते हैं। तो आप देखिए जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी हैं वहाँ पर कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा जाने की चांसेस है। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई और सिकंदराबाद की जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, क्योंकि सभी को लगता है यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है तो हमें यहाँ से अप्लाई करना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी जो अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं दोस्तों जो ALP का थर्ड स्टेज होगा, यानी थर्ड स्टेज में जो साइको टेस्ट होगा वो ALP कैंडिडेट का होगा। यहाँ पर देखिए आप इन्होंने दिया था नोटिफिकेशन में कि ALP एस्पिरेंट के लिए ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ओनली, ठीक है। तो इसमें कहीं भी टेक्नीशियन को साइको टेस्ट के लिए नहीं जाना है। इसमें क्या होगा, पार्ट ए जो हुआ था उसमें से 70% वेटेज होगा और जो साइको टेस्ट होगा उसमें 100 मार्क्स का साइको टेस्ट होगा जिसमें 30% वेटेज इसका रहेगा। इस तरह से दोनों को प्लस करने के बाद एक फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी ALP कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो उसमें 42% मार्क्स लाना जो है अनिवार्य है और जो साइको टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। तो ये तो था दोस्तों थर्ड स्टेज जो कि ALP कैंडिडेट के लिए था।
चलिए आगे हम देख लेते हैं कट ऑफ। तो देखिए आप कट ऑफ में आपको बताऊं, एएलपी कैंडिडेट के लिए कट ऑफ है दोस्तों वो जनरल की अगर हम बात करें तो 60+ के समथिंग ही रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है 5 नंबर, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए जो कट ऑफ है एएलपी की वो फाइनली कट ऑफ 60+ में रहेगी। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 55 और एससी में 50 और एसटी में 45 के आसपास जो है कट ऑफ रहने के अनुमान है। दोस्तों ये जो कट ऑफ है आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे लोगों का एनालिसिस किया है, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पर जितने भी सेंटर पर छात्र थे उन सभी से इसके बारे में पूछा, तो उससे मैं इस कट ऑफ के निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हम कट ऑफ देखते हैं टेक्नीशियन की, आईटीआई वाले जो हैं तो उनमें देखिए कट ऑफ जो रहेगी उनकी भी थोड़ी डाउन रहेगी, क्योंकि उनके लिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो 65+। ओबीसी की अगर हम बात करें 60 रहेगी और एससी की 55 और एसटी की 50+ रहेगी। आगे हम देख लेते हैं 10+2 वाले जो टेक्नीशियन हैं दोस्तों, इनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, इनकी वैकेंसी समथिंग 5,200 के समथिंग है, तो कहीं ना कहीं इनकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो बहुत कम रहने के चांसेस हैं दोस्तों। इसलिए देखिएगा इसकी जो कट ऑफ होगी दोस्तों वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 ओबीसी प्लस में रहेगी, ओबीसी की 70+ रहेगी, एससी की 65+ रहेगी और अगर हम एसटी की बात करें 60+ रहेगी। दोस्तों ये मैंने बताई है, इसका मैं आपको 100% श्योर बता रहा हूँ कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो 75+ से नीचे नहीं, 75 से नीचे किसी हाल में नहीं जाएगी। आप देख लेना इसकी जो कट ऑफ है 80-75 के बीच में रहने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं भी टेक्नीशियन 10+2 के लिए ही अप्लाई किया है और जिसपे कि मैंने 85 अटैम्प्ट किया हूँ, मुझे लगता है कि जहाँ पर मेरे 100% जो है 99% जो है एक्यूरेसी है, कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन तो देखो स्वाभाविक होते हैं, हो सकता है जल्दीबाजी में मुझसे गलत हुआ हो, तो मुझे उम्मीद है 80 के समथिंग आने के चांसेस है, लेकिन जो कट ऑफ है दोस्तों 75-80 के समथिंग ही रहेगी। ठीक है, अब आगे हम जान लेते हैं कुछ आंसर की इसके बारे में कि आंसर की जो है क्या डेट होगी। तो देखिए दोस्तों जैसा कि रेलवे ने पुराना पहले भी प्रोसीजर किया था उसमें अगर हम बात करें आंसर की तो आंसर की क्या होगा, आंसर की जल्द ही आने वाली है और हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर आपको आंसर की देखने को मिले। उसके बाद रेलवे क्या करेगा, रेलवे जो है आंसर की जारी करेगा, उसके बाद जो है आंसर की के बाद एक आपसे ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शन में आपसे ऑब्जेक्शन फिल कराने के बाद जो है रेलवे आपसे उसका एक फाइनल आंसर की जारी करेगा, जैसे कि पिछले सीबीटी फर्स्ट स्टेज में किया गया था, फाइनल आंसर की होगी। ठीक है, फाइनल आंसर की मिलेगी, उसके बाद फाइनली रिजल्ट आएगा और रिजल्ट भी दोस्तों एएलपी वालों के लिए 8 गुना कैंडिडेट जो है एएलपी के बुलाए जाएंगे 8 गुना, और उन 8 गुना कैंडिडेट के लिए साइको टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो उनका साइको टेस्ट होने के बाद क्या होगा, जो टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं वो थोड़ा वेटिंग में रहेंगे, उसके बाद जब उनका साइको टेस्ट हो जाएगा तो टेक्नीशियन और प्लस एएलपी दोनों कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट निकाल के उनकी वैकेंसी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ये तो प्रोसीजर रहेगा दोस्तों। फाइनल रिजल्ट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने अभी इस प्रक्रिया में और लगने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी हमारी इस वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी की अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।